हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटपीडिया। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर के आई हूँ हिंदी में मात्रा। लास्ट वीडियो में बड़ी ई की मात्रा समझाया था कि कैसे आपको अपने बच्चे को बड़ी की मात्रा पढ़ानी है, तो आज हम बात करते हैं उ की मात्रा। ठीक है, उ की मात्रा हमें बच्चों को बतानी है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ करनी होगी और बच्चे से पूछना होगा कि बेटा ये क्या है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से बच्चों को सिखाते हैं उ से उल्लू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उल्लू की पिक्चर ड्रॉ करी है। अब हमें बच्चे को बताना है कि उसे उल्लू यही होता है। ठीक है, तो उ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। उ की मात्रा ये होती है, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बच्चे को स्वर और व्यंजन से इंट्रोड्यूस करा दिया था कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। अ से लेके आह तक स्वर होते हैं और का से लेके क्या तक व्यंजन होता है। तो अब हमें बच्चे को बताना है कि हम किस तरीके से व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। ठीक है, बच्चे को हमें बताना है, जैसे हमने यहाँ पा लिख दिया, पा के साथ हमने उ की मात्रा लगानी है। ठीक है, पा के साथ उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, पु। का के साथ उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कु। माँ के साथ उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, मु। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को हम का से लेके पूरा दे सकते हैं, का खा गा घा चा छा जा झा, इन सब के साथ उ की मात्रा लगाने के लिए दे सकते हैं और उन्हें उसे बोलने के लिए बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, अब हम जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, जोड़कर शब्द बनाएंगे, जैसे ध न उ श, धनुष। ठीक है, बच्चे को बोलेंगे पढ़ने के लिए ध न उ श धनुष। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पिक्चर्स जरूर ड्रॉ करिएगा, इससे बच्चे के लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ग उ ल आ ब गुलाब। ठीक है, ज आ म उ न जामुन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है मात्रा लगाने का। अब हमें अपने बच्चे को मात्रा लगाने को बोलना है। हमने कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, सिंपल दो अक्षर के शब्द लिखे हैं, उसमें बच्चे को बोलना है कि आपको मात्रा कहाँ लगानी है, पहले हमें बताना होगा। जैसे कच, बेटा क में अगर उ की मात्रा लगाया तो क्या बन गया, कु। और छ, तो क्या हुआ ये, कुछ। पा में अगर उ की मात्रा लगाया तो क्या बन गया, पुल। ग में अगर उ की मात्रा लगाया तो क्या बन गया, गुड़। ता में उ की मात्रा लगाया तो तुम। सा में उ की मात्रा लगाया तो सुन। और प में उ की मात्रा लगाया तो पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है चित्रों के नाम। हम कुछ चित्र बना देंगे और बच्चे से बोलेंगे कि उसके नाम लिखने के लिए, जैसे ये है गुलाब। ठीक है, तो बच्चे को बोलेंगे गुलाब लिखने को, तो गुलाब के नक्शों से मिलकर बना है ग उ ल आ ब गुलाब। ठीक है, धनुष, ध न उ श धनुष। इस तरीके से अक्षर को तोड़ करके बोलिएगा तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा लिखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है चित्र पहचान कर सही शब्दों से मिलाइए। हम एक तरफ कुछ चित्र बना देंगे और दूसरी तरफ उस चित्र के नाम लिख देंगे और बच्चे से बोलेंगे कि आपको पढ़ना है शब्द को और चित्र के साथ मैच कराना है। जैसे कुटिया, कुटिया, कुटिया कहाँ है, ये है, तो इसे मैच करा दिया। धनुष, धनुष। चूहिया, चूहिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है इमला का। हमने आपको हर स्टेप में बताया है, हर बार बताया है कि आपको इमला जरूर कराना है बच्चों को, इमला कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम बच्चों को दो अक्षर वाले शब्द बोलेंगे, इसके बाद हम तीन अक्षर वाले शब्द बोलेंगे। ठीक है, और बोलना कैसे है, ऐसे नहीं बोलना है धुन गुड़ चुप, नहीं, धु नु धुन गु डु गुड़ चुप प चुप दु म दुम गु
लाब गुलाब, दु का नू दुकान, कु टी या कुटिया। ठीक है, इस तरीके से हमें इमला बोलना है। एक चीज और आपको इसमें ऊ की मात्रा में बतानी है, हमें बताना ये है बच्चे को कि ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, जैसे हमने का के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो कु हो गया, माँ के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो मु हो गया, लेकिन रा के साथ ऊ की मात्रा ऐसे नहीं लगती। रा के साथ हमें ऊ की मात्रा हमेशा ऐसे लगानी है, ठीक है, तभी ये रू बनेगा। ये पॉइंट बच्चे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाकी सब तो इजी है, बट यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए उसे ये बताइएगा कि रा के साथ जब भी हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऐसे ना लगाकर हमें इस तरीके से लगानी है। ठीक है, ये आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं बुक पर। नेक्स्ट हमारा इमला हो गया। हमने आपको बताया है कि रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बच्चे को बुक मिली होगी स्कूल से, उसमें आपको रीडिंग कराना है। किस तरीके से, देखिए, धु नु धुन, गुड़ गुड़, थोड़ा थोड़ा ही आप कराइए, लेकिन जब भी आप उसे कोई नई मात्रा बताइए समझाइए तो उस मात्रा से रिलेटेड जितने भी शब्द हों आप उन्हें रीडिंग जरूर कराइएगा बच्चों से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ऊ की मात्रा। मैं अपने नेक्स्ट हिंदी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।